मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर केमिकल लेकर जा रहे एक टैंकर में आग लग गई। घटना आज की सुबह करीब 12 बजे खंडाला निकास के पास हुई। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर खंडाला निकास पर रसायनों का परिवहन करने वाला एक टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और टैंकर में अचानक आग लग गई। अग्नि ने रौद्र रूप धारण कर लिया। हादसा एक्सप्रेसवे के फ्लाईओवर पर हुआ। आग की लपटें भी पुलिया के नीचे आ गिरी। इसी दौरान पुल के नीचे से गुजर रहे एक दुपहिया वाहन में आग लगने से उनमें से 2 लोगों की मौत हो गई, तो वही टैंकर चालक समेत अन्य एक की मौत हो गई है। घायलों को इलाज के लिए सुमाटने फाटा स्थित पवना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग की लपटें पुल के नीचे फैलते ही टैंकर में आग लगने से पुल के नीचे खड़े वाहन भी जल गए। इस घटना के बाद से मुंबई की ओर जाने वाले ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया है। इससे कई किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई है। साथ ही पुणे आने जाने वाले यातायात को भी कुछ देर के लिए रोक दिया गया। थ्री मेंबर्स इंजर्ड है, इसमें सबको एम्बुलेंस को बुला के हम लोग ने रेस्क्यू किए हैं और जो मायत है और जो भी इंजर्ड है सबको एम्बुलेंस में बुला के हॉस्पिटल भेजे गए हैं। पेट्रोल टैंकर है, पेट्रोल टैंकर अभी कैसे हुई क्या है अभी पता नहीं है फिलहाल के लिए, बट जब आग लगी है तो हम सबको पता चला और स्विफ्ट एक्शन लिए थे और जो भी मुंबई से पुणे आ रही थी ट्रैफिक उनको रोक दिया गया है, पुणे से मुंबई जाने वाले ट्रैफिक भी रोक दिया गया है और फायर फाइटिंग ब्रिगेड को भी बुला के हम लोग आग बुझाए हैं, अभी वो टैंकर हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सर्विस न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।